मैं पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, खासकर ट्रिपल सी के स्टूडेंट के लिए। ये स्पेशली ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, बिकॉज ट्रिपल सी स्टूडेंट एग्जामिनेशन से पहले बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, या अगर एग्जामिनेशन नजदीक नहीं है, थोड़ा टाइम है उसमें, तो बच्चे ये नहीं समझ पाते हम तैयारी क्या करें, कहां से हम पढ़ें, क्या चीज पढ़ें जिससे हम आसानी से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। वीडियो देख करके अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आसानी से आप ट्रिपल सी क्वालिफाई कर जाएंगे और अच्छे ग्रेड से आप ट्रिपल सी पास करेंगे। तो इसमें मैं कंप्लीट आपको डिटेल बताऊंगा कि एग्जामिनेशन देना है तो कैसे देना है, क्या क्या सिलेबस होते हैं, उनकी तैयारी हम कैसे करते हैं। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम कितना पढ़ के जाएंगे तो आसानी से हम ट्रिपल सी को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स का इस वीडियो से लाभ हो सके। तो और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, चूंकि ट्रिपल सी या अदर कंप्यूटर कोर्सेज से टैली से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली हैं इस चैनल पर। हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ट्रिपल सी क्या है। ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ट्रिपल सी कुछ नहीं, एक छोटा कॉन्सेप्ट कोर्स है जो 80 घंटे में ही क्लियर हो जाता है। 80 घंटे कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको 80 घंटे मीन्स 80 दिन पढ़ाता है एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी मंथ के स्टार्टिंग में फर्स्ट डे से अगर आप क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे तो चूंकि ट्रिपल सी का जो सिलेबस है वो 80 घंटे का है, और जिस मंथ में आप स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं, जैसे नवंबर में एडमिशन लिया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में आपका पेपर होना चाहिए, बट ट्रिपल सी का पेपर जनवरी में नहीं होता है। बट इसका शेड्यूल यही है कि जिस मंथ में आप एडमिशन लेंगे उसके थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपका पेपर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको कोर्स के बारे में जानना है, ट्रिपल सी कोर्स एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको, फिर उसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में इंट्रोड्यूस करा जाता है आपको। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको जानना होगा। वर्ड प्रोसेसिंग, पहले आपका वर्ड प्रोसेसिंग में एमएस वर्ड पढ़ाया जाता था, बट अब तो लिब्रे ऑफिस में लिब्रे राइटर है जो आपका वर्ड प्रोसेसर है, और ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है आपका, तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपको लिब्रे राइटर पढ़ाया जाता है। स्प्रेडशीट में आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क की तैयारी करनी है, कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक्सेल की तरह के तरीके से है, पहले एमएस एक्सेल पढ़ाया जाता था, अब आपको लिब्रे ऑफिस में कैल्क से तैयारी करनी होगी। प्रेजेंटेशन जो है आपका, प्रेजेंटेशन पहले पावर पॉइंट होता था प्रेजेंटेशन में, बट अब लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से आपको तैयारी करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर, यहाँ आपको इंटरनेट का इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना होता है, WWW क्या है एंड वेब ब्राउजर्स किसे कहते हैं, इनका यूजेस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ब्राउजर होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानना होगा आपको। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर क्वेश्चंस से भी आते हैं आपके, जिसमें आपका ईमेल हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गई, आपके ई कॉमर्स हो गए, ई गवर्नेंस हो गया, तो ये सारी चीजें लगभग आपके कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन में आ जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टूल्स, उसके तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपका टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूंकि आप जान ही रहे हैं डिजिटल इंडिया है, डिजिटल ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, कैशलेस इंडिया, तो उसके लिए आपका डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है वो ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका फ्यूचर में औद्योग में हमारे कंप्यूटर्स का क्या रोल है, जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए हैं कौन कौन से हैं, साइबर से अपने कंप्यूटर को, अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल को, अपने डेटा को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो सारा कुछ कह। इसमें जो नए लोग एडमिशन लेते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहता, तो बड़े प्रेशर में रहते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम में कोई सिक्योरिटी नहीं है, यदि आप पास नहीं करते हो तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। बट इतना पैनिक नहीं होना, आपको ट्रिपल सी बहुत ही छोटा सिलेबस का प्रोग्राम है और आसानी से आप ट्रिपल सी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और रटना नहीं, आपको समझ करके पढ़ना और आसानी से आप ट्रिपल सी को क्वालिफाई कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें, उसका वर्ग क्या है, जैसे इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का परिचय आप पूरा जान लें, थोड़ी सी हिस्ट्री आप देख लें, जनरेशन चेक कर लें, आप कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जान लें, ये सारी चीजें आपको उसमें तैयार करना होता है। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं,
जीवाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सीवाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्लोज सोर्स किसे कहते हैं, ओपन सोर्स किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने होते हैं, ये इसका आपको नॉलेज हो जाए। मोबाइल, क्योंकि अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया है, इसमें लिनक्स में जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लिनक्स है उससे भी आपको तैयार कर लेना होता है, क्योंकि लिनक्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। ट्रिपल सी के सिलेबस में विंडोज है, लिनक्स है जिसका एक वर्जन आप पढ़ते हो उबंटू, लिनक्स हो जाएगा। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखें तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका एंड्रॉइड है, आपका iOS है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ब्लैकबेरी फोन के जो प्रोप्राइटरी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ लेना, थोड़ा सा डॉस का नॉलेज आपको ले लेना होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा। उससे आपको कुछ क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से तैयार कर लेने होते हैं। इसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर में, राइटर क्या है, राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड को मैनेज करने के लिए इसका यूज होता है। हम अपनी फाइल को सेव कैसे करते हैं, अपनी फाइल को ओपन कैसे करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम कैसे बनाते हैं उसमें हम वर्ड आर्ट कैसे करते हैं, ग्राफिक्स को कैसे मैनेज करते हैं, हम कोई टेबल प्रेजेंट कर लेते हैं तो उसको हम कैसे उसमें चार्ट क्रिएट करते हैं, कोई भी ग्राफिक्स को अपने टेक्स्ट को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें इसमें आपको मालूम होनी चाहिए। यहां तक कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको सारे मेन्यूज तैयार कर लेने होंगे, उनके शॉर्टकट्स तैयार कर लेने होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी ऑप्शन आपसे पूछ लिया, जैसे कमेंट पूछ लिया किस मेन्यू के अंतर्गत है, तो आपको उस मेन्यू को एक्यूरेट मेन्यू को आपको बताना रहेगा, जबकि उसमें आपके विकल्प होते हैं, उस विकल्प से आप अगर आपने केयरफुली मेन्यूज को नोट डाउन कर लिया है, उसको आपने समझ करके पढ़ लिया है तो आसानी से आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि जो फाइल मेन्यू है वो फाइल से रिलेटेड चीजें होंगी इसमें, जैसे वो न्यू, ओपन, सेव, सेव ऐड, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एडिट में हम अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग किसके माध्यम से कर सकते हैं वो ऑप्शंस होंगे। व्यू में हमें जो टूल बार्स प्रेजेंट करने हैं, या किसी कोई भी वर्क हमने किया है, ग्राफिक्स है या इमेज है, ग्राफिक्स है या डॉक्यूमेंट है कुछ भी, उसे हमें व्यू कराने के लिए व्यू मेन्यू का ऑप्शन होता है। इंसर्ट से हम कोई भी चीज लाते हैं, हमें कुछ भी आर्ट करना है, ग्राफिक्स प्रेजेंट करना है, पिक्चर्स लाने हैं, कुछ भी लाना है तो हम इंसर्ट से प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मेट के थ्रू उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे मेन्यू का आप तैयार करते हैं तो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाता है, आपको रटना भी नहीं पड़ता और एक कम समय में आपकी तैयारी हो जाती है। राइटर में इस तरह से तैयारी करेंगे। वैसे मैंने शॉर्टकट्स के वीडियोस बना रखे हैं, मैंने शॉर्टकट्स, फुल फॉर्म, ये सारी वीडियोस मेरी हैं चैनल पे, अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, हर वीडियो में उसका लिंक रहता है तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद स्प्रेडशीट में आपको, अगर आप एक्सेल पढ़े, अगर आप बिगनर हैं, आपने कोई भी पढ़ाई नहीं किया हुआ है, तो फर्स्ट तो आपको कोई भी एप्लीकेशन यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको एप्लीकेशन के पार्ट ऑफ विंडो को पहले तैयार कर लेना होता है, उसके मेन्यूज को तैयार कर लेना होता है, उनके शॉर्टकट्स को तैयार कर लेना होता है, फिर उनके वर्क फंक्शन में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहेगा तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। आपको भी फॉर्मूला कहाँ अवेलेबल है, उसका क्या यूज है थोड़ा बहुत जान लेंगे, आप चार्ट कैसे प्रेजेंट करते हो, आप पिवट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, टेबल्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको आ जा रही हैं तो आप कैल्क से अच्छे से आप काफी क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद आपका प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। जैसे आपने राइटर पढ़ा, कैल्क पढ़ा, तो उसी से मैच करते हुए मेन्यूज यहां भी मिल जाते हैं, तो इसमें जो एक्स्ट्रा मेन्यूज है जैसे स्लाइड शो का मेन्यू है, एनिमेशन के लिए है, तो वो सारी चीजें आप यहां से एक्स्ट्रा तैयार कर लेंगे। हम स्लाइड में ट्रांजिशन कैसे देते हैं, एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, हम स्लाइड शो कैसे कराते हैं, इन सबका शॉर्टकट, मेन्यूज ऑप्शंस, सबका यूजेस वो आप जरूर याद कर लेंगे। नॉर्मल लेआउट क्या होता है, मास्टर लेआउट क्या है, हैंड आउट मास्टर क्या है, नोट पेजेस क्या होते हैं, हेडर एंड फुटर्स क्या है, तो ये सब अगर आप तैयार कर ले रहे हैं इंप्रेस से तो, और पार्ट ऑफ विंडो आप मैनेज कर ले रहे हो तो आसानी से इंप्रेस के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर। तो इंट्रोडक्शन, इंटरनेट है क्या, इंटरनेट के यूजेस क्या है, इंटरनेट में हम वर्क क्या क्या करते हैं वो सब हम यहां से जान लेते हैं। WWW का क्या रोल है, कौन इसको, इसका इन्वेंशन करता कौन है, जैसे WWW टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप करा। इसके बाद ब्राउजर्स क्या होते हैं, ब्राउजर्स है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, नेटस्केप नेविगेटर है, इस टाइप के बहुत सारे ब्राउजर्स है, तो उनके बारे में अगर आप नॉलेज थोड़ा सा मेंटेन कर ले रहे हैं। इंटरनेट के बारे में आपको, जैसे इंटरनेट पे हम करते हैं क्या, हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, चैटिंग में आपका SMS चैटिंग है, वीडियो चैटिंग है, ऑडियो चैटिंग है, ये सारी चैटिंग्स हम करते हैं। इसके बाद हम ई बैंकिंग करते हैं, ई टिकटिंग करते हैं, तो ये सारा काम हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो इसका थोड़ा थोड़ा सा अगर आप तैयारी हर एक टॉपिक से कर ले रहे हैं तो आसानी से
आपका क्लियर हो जाएगा। ट्रिपल सी में बहुत टफ नहीं पूछेगा आपसे, पूछ लेता है कि ब्राउजर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर दे दिया गया तो उसने पूछ लिया इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन वेबसाइट है, तो इतना तो आप जानते हैं कि ब्राउजर क्या है और सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन भी आपको जानना होगा, जैसे गूगल है आपका, याहू है, हॉटबॉट है, एल्टा विस्टा है, एमएसएन है, विंग है, ये सब आपके सर्च इंजन वेबसाइट्स के बारे में जानेंगे आप। यूआरएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या है, टीसीपी आईपी क्या है, इन सबके फुल फॉर्म मैंने बताया भी आपको कि फुल फॉर्म की मेरी वीडियो है, उसको आप देख लेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। अभी मैं इसमें बता रहा हूं कि कैसे आप तैयारी करना है, ये जो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन है, अगर आपके पास समय नहीं तब की मैं बात कर रहा हूं, समय है तो आप डीपली उसको पढ़िए, इसी तरीके से आप डीपली तैयारी करें। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में इसमें इंपॉर्टेंट आपका ईमेल है, थोड़ी सी सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्क में आपका क्या है, सोशल नेटवर्क साइटें हैं जिसका ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, गूगल प्लस है, इन सबसे आप व्हाट्सएप है, इन सबसे आप तैयारी कर लें। प्लस आपको नेटवर्क के बारे में थोड़ा जानना होता है, लैन मैन मैन है, लैन से रिलेटेड टोपोलॉजीज होती है, वस रिंग स्टार ट्री मैस, इन सबके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आप रख लेंगे तो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में आपका बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कस्टमर है, कस्टमर टू बिजनेस है, इसके बाद आपका ई गवर्नेंस में जी टू जी है, जी टू सी है, जी टू बी है, जी टू ई, तो इन सब की तैयारी का, जी टू जी मतलब हो गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो वो सब बहुत डीपली बताने की जरूरत नहीं, इन सबसे आप तैयार कर लेंगे तो आसानी से आपका ये सेक्शन भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं, जिसके पास कम समय है मैं उसके लिए बता रहा हूं 10 दिन 5 दिन में आप कैसे तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल, डिजिटल फाइनेंशियल में डिजिटल टूल्स क्या है, डिजिटल सर्विसेज के लिए हमें सबसे पहली चीज हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, हम बैंक अकाउंट में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं उसकी तैयारी आप कर ले। डिजिटल ट्रांजेक्शन हम कैसे करते हैं, यूपीआई क्या है, आईएमपीएस क्या है, नेफ्ट क्या है, आरटीजीएस क्या होता है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज लेना होता है। एईपीएस क्या है, उमंग का क्या यूज है, ओआरएस का क्या यूज है, एटीएम का क्या यूजेस है, माइक्रो एटीएम क्या होते हैं, मिनी एटीएम क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपका डिजिटल फाइनेंशियल भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका ओवरव्यू एंड फ्यूचर स्किल साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। ओवरव्यू फ्यूचर स्किल में आपके जो फ्यूचर में किन कौशल्स का यूज करके अपने व्यापार को हम डेवलप कर सकते हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, किस कितने कितने समय पर कौन कौन सी औद्योगिक क्रांति हुई इसके बारे में जानेंगे आप। इसके बाद जो फ्यूचर में हमारा 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है उसमें कुल 9 थिंग्स हैं आपके, उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जैसे आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा एनालिसिस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, सोशल एंड मोबाइल है आपका, 3D प्रिंटिंग है, ब्लॉकचेन है, रोबोटिक है, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इससे पढ़ लेंगे तो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी में अपने अपने डेटा को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, इन सब के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा, जिस सिस्टम को आप एंटीवायरस से सिक्योर करते हैं, अपने डेटा को सिक्योर करना है, कोई भी ब्राउज हैकर से बचना चाहते हैं तो हम HTTPS का यूज करें, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब हर एक टॉपिक आप टच भी कर लेंगे और उसकी एक होल नॉलेज रखने के लिए आप फास्ट ट्रैक में उसकी तैयारी करेंगे, और ये जो मैंने अभी आपको बताया ये करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेगा, आसानी से 10 दिन में आप इसको क्लियर कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जो अभी 2 दिन बाद 4 दिन बाद एग्जामिनेशन देना है, इसी तरीके से हर एक टॉपिक को टच करते हुए अगर वो पढ़ाई कर ले रहे हैं तो आसानी से CCC को पास कर पाएंगे। CCC एग्जाम देने जा रहे हैं आप तो आपको क्या करना होगा, आपके पास एडमिट कार्ड है, आपका एग्जामिनेशन का डेट आ गया, तो आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो क्या चीजें लेकर के जाएंगे अपने साथ और वहां कैसे एग्जाम करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लें आप। जैसे आपके पास एडमिट कार्ड है, आपको अपना एक आईडी प्रूफ, अगर आपके पास आधार कार्ड है अपना आधार कार्ड ले जाएं, पैन कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कुछ भी, वैसे आपका सबसे बेस्ट है कि अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी भी अपने पास रखें और ओरिजिनल भी रखें, बहुत सारे सेंटर वाले आपसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मांग लेते हैं, तो अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी एक साथ स्टेपल कर लें, ना ओरिजिनल आधार कार्ड अपने पास रखें। इसके बाद आप रिपोर्टिंग टाइम में पहुंचेंगे, रिपोर्टिंग टाइम के बाद फिर आपका 10-15 मिनट में आपका गेट क्लोज होता है, उसमें आपको इन कर जाना है। परीक्षा केंद्र पर आपसे थंब इंप्रेशन एंड सिग्नेचर गेट पर ही ले लेते हैं, नहीं तो आपको जब आप अपने
परीक्षा रूम में जाएंगे, अपने एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे, सिस्टम के पास जब आप रहेंगे तो वहां फिर आपसे आपका वेरिफिकेशन के लिए आपका थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब आपका लगाया जाएगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर आपका जैसा भी आपने फॉर्म में किया होगा उस तरह से आपको करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे आपका सेंटर कोड पड़ा होगा या अगर नहीं पड़ा हुआ तो सेंटर कोड प्लस अपना रोल नंबर डाल करके आप उसमें इन करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद जब आपका टाइम स्टार्ट होगा तो आप कंफर्म करके आगे जाएंगे, फिर आपका कंप्लीट क्वेश्चन की नंबरिंग आपकी आ जाएगी पेज पर और उन नंबर में एक सिस्टमेटिक एक एक करके क्वेश्चन आते रहेंगे, उसको बहुत ही केयरफुली लेना है आपको क्योंकि करने में उसे आपको टाइम नहीं लगेगा, केवल पढ़ेंगे रिपीट करके आप क्वेश्चंस को पढ़ें कि थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं तो जिससे आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो उसको तो आप भ्रमित हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं वो भी आप गलत कर जाते हैं। अब मिक्स होकर के आता है आपका ट्रू फॉल्स एंड मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिक्स होकर के आते हैं, तो आपको करना क्या है आपको क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और फिर आपको विकल्प उसमें से चुनना है, यदि आपसे कोई भी मिस भी हो जाता है तो आप कभी भी उस क्वेश्चंस पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, टाइम पूरे टाइम का आप इस्तेमाल करें, आपकी जो भी तैयारी है उस तैयारी के हिसाब से करें, यदि आप तुक्का भी करते हैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपको प्रेजेंट में आप देख रहे हैं उसको तो उस हिसाब से करें, चूंकि तुक्का तो हर कोई मारता है लास्ट में बट सब कुछ तुक्के पर नहीं, थोड़ा समझ करके अगर आप तुक्का करते हैं, अगर समझ करके आप तुक्का करते हैं तो भी आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। बस आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 50 क्वेश्चन हम एकदम सही करेंगे, उसके बाद हम सारा तुक्का करेंगे, वो आप आसानी से पास कर पाएंगे। तो इस तरह से जब आपका टाइम ओवर हो जाए तो ऑटोमेटिकली टेस्ट एंड हो जाता है, बट वो कूल माइंड होकर के पेपर देना है, उसमें बहुत ही आपको प्रेशर लेकर के एग्जाम नहीं करना है, आप आसानी से ट्रिपल सी क्लियर कर जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।